चैनल और आज हम जा रहे हैं मार्केट, मतलब दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। दीदी आई हुई हैं द्वारका से, छोटी दीदी मतलब, और तो उनको भी शॉपिंग करनी है, तो मैंने सोचा साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर अकेली रह जाती हूँ। अनु का टाइमिंग वही होता है रात का, तो रात में उतना ज़्यादा खास ले नहीं पाते हैं, दिन में सब चीज़ क्लियरिटी दिख जाती है। तो दीदी और मैं जा रहे हैं अभी मार्केट शॉपिंग करने के लिए, साथ में मम्मी भी जा रही है, हर्षू भी जा रहा है, शीना और गोलू भी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे मार्केट और दिखाती हूँ आप लोगों को कि मार्केट में अभी दिन में कितनी भीड़ है। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा भीड़ होगी क्योंकि रात को भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और सारा बच्चे के साथ यही है कि एक बैग हमारा बच्चे का ही होता है पूरा, इसलिए मैं हर्षू को ज़्यादा कहीं लेके नहीं जाती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत सारे सामान रखना पड़ता है पूरा उसका। ये बैग जो है ना उसके सामान से ही भरा हुआ है, पानी की बोतल होगी, पजामे वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी है उसी के भरे हुए हैं। तो करते हैं लाइट बंद और मैं दिखी नहीं होगी, तो चलिए चलते हैं सीधे और मिलते हैं हमें मार्केट में। ठीक है, बाय। बहुत भीड़ हो रही है मार्केट में, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत तो यहाँ पर शॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर हम पहले हर्षू के लिए कुर्ता पजामा देख रहे हैं दिवाली के लिए। सो गाइज, फाइनली शॉपिंग करके हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, और यहाँ पर मेरी लस्सी आ चुकी है, गोलू बैठी है, शीना बैठी है, और यहाँ पर मेरा हर्षू सो गया है। डोसा भी आ चुका है हमारा, जो कि लाटा खाना शुरू कर दिया लाटे ने। ये जो जी ये साइड वॉल है, ये तो मैं कर चुकी हूँ, ब्लॉगिंग उसके बाद शुरू की है मैंने, और ऊपर से लेके नीचे तक सभी कर चुकी हूँ, और ये वाली दीवार जो है ये सब हो चुकी है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये भी मैंने कर लिया है। अब बारी है इस फ्रंट वाले की, उसके बाद नीचे भी हैं सारे टाइल्स वगैरह वो साफ करनी है, और जो ऊपर अंकल रहते हैं हमारे, मतलब थोड़े एजेड हैं तो वो नहीं कर पाते, तो मुझे मूल वाली दीवार भी करनी पड़ेगी। ऊपर भाभी भैया रहते हैं वो तो अपना कर लेंगे, बट अंकल हैं तो उनसे नहीं हो पाएगा, तो पापा की एज के हैं तो उनसे हो नहीं पाएगा वो, तो इसलिए वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैं डेकोरेशन करूँगी, मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रही हूँ डेकोरेशन का, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं ही कर लूँगी, हाँ आनु का वेट करूँगी, तो मैं ही लगी पड़ी सफाई में, उसके बाद डेकोरेशन करूँगी। अभी करते हैं जल्दी जल्दी सफाई, क्योंकि हर्षू भी अभी घूमने गया हुआ है पापा के साथ, तो उसके आने से पहले मैं सब खत्म कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत परेशान करता है, जीरा में चढ़ने लगा ना आजकल वो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो चलिए जल्दी जल्दी सफाई करते हैं और फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। Thank you.
अब आई हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। पर क्या करें, जब खाना अकेले है तो करना भी अकेले ही पड़ेगा, है ना। अकेले होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। और क्या फायदे ये है कि सब कुछ अपना ही है, राज अपना राज है। और नुकसान ये है कि सफाई वफाई के टाइम पर सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। कुछ दुख तकलीफ हुई तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। और आजकल का टाइम आप लोगों को पता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, बस अपनी फैमिली ही अपनी है। और सफाई भी अकेले ही करनी पड़ रही है, पर ये गलत हुआ है कि मैं अकेले कर रही हूँ, नहीं कर रहे मेरे साथ, बट उनकी भी मजबूरी है ना। वैसे हम अपना ऊपर जो रूम है हमारा, ये इसका हम ऑलरेडी सबको सफाई कर चुके हैं पहले। इस ऊपर के रूम की सफाई हो चुकी है, नीचे मम्मी पापा का जो रूम है ना, मंदिर वाला रूम है, उसकी सफाई नहीं हुई है अभी, तो उनकी भी सफाई करनी है। और मैं सोच रही थी अनु एक दिन ऑफ ले लेते ना, तो फिर सारा काम हो जाता, बट उनके ऑफिस में ऑफ का नाम लेना भी गुनाह है। वैसे ऑफ मिल जाता था, बट अभी थोड़ा काम ज़्यादा है, तो फिर इसी वजह से ऑफ भी नहीं मिल पा रहा है। और एक ऑफ मिलता है वेनसडे, उस दिन क्या सफाई हो पाएगी। तो मैंने सोचा ऊपर की टाइल वगैरह और नीचे की टाइल वगैरह सब मैं साफ़ कर देती हूँ, बस अनु के लिए क्या रह जाएगा, कमरा नीचे का। और भी लग के सारा काम कर देती हूँ ना, फिर मैं दूसरे दिन बीमार पड़ जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ धीरे 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 करूंगी, तब सही रहेगा थोड़ा, नहीं तो। सो गाइज, फाइनली मेरा काम हो चुका है कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है दो बज चुके हैं। और लंच भी पापा ने बना दिया था, तो लंच भी हमने कर लिया है। और हर्षू की शैतानियाँ ही खत्म नहीं हो रही, देखो कहाँ बैठा है वो, दिख रहा है आप लोगों को कैसे बैठा हुआ है, देखो चिल्ला रहा है वहां से। मम्मी का फास्ट है, तो मम्मी चली गई सोने के लिए, पापा भी चले गए रेस्ट करने के लिए। अब ये मेरे को नहीं सोने दे रहा है, क्योंकि अभी 1:30 बजे करीब सो के उठा था, तो अभी मेरे को बिल्कुल नहीं सोने दे रहा। मेरा हो रहा सर में दर्द भयंकर वाला, पता नहीं क्या ही चाहता है लड़का मेरे से। ओए हर्षो जल्दी आ ऊपर, बात भी नहीं मानता है, और चिल्लाओ तो हमारे ऊपर दोबारा चिल्लाएगा, देखो। आप क्या चाहिए, ये नहीं मिलेगा, जब आप ऊपर आओगे तो मिलेगा। आ जाओ ऊपर आओगे हर्षी। बेटा बेड खराब हुआ ना मेरा, फिर पिटा मेरे से। अब ये सर कहना चाह रहे हैं कि हमें ऊपर ले आइए। ये देखिए हमारा हर्षू आ चुका है, मतलब हर्षू हमारे पास आ चुका है। शरीफ बच्चा, कैमरे को देख के तो इतना शरीफ हो जाता है ना ये। नहीं गंदी बात, कैमरे को देख के बहुत ज्यादा शरीफ हो जाता है ये, शरीफ बच्चा मेरा। पाली कर दो और पा कर दो, और इसको नहीं लेना।
पीछे पड़ गया है। मैंने पिटाई कर देनी हर्षो। ये पिद्दा जैसा है, इतनी आवाज आती है इसकी। जो भी चीज मिलता सब चीज को मुंह में डालेगा बस। गंदा बच्चा। अब मैं क्या करूं, दे दिया है मैंने आपको, अब क्यों रो रहे हैं? यहीं पर हर्षु और अनु की हो रही है लड़ाई। हर्षु ने डाल दिया अनु का फोन बेड के पीछे। फोन डाल रहा है मेरा। अच्छा, चला गया नीचे।